गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र झा प्रॉपर्टी पर। तो दोस्तों आज का जो प्रॉपर्टी है मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वाधवा वाइस सिटी का। वाधवा वाइस सिटी में जैसे कि मैंने आपको मेरे आपके जो लास्ट के दो ब्लॉग आपने देखा होगा उसमें मैंने बंगलोस के ब्लॉग बनाया था, तो आज का जो ब्लॉग आप देखेंगे उसमें रहेगा 2 BHK फ्लैट और कल का जो ब्लॉग आप देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा 3 BHK का सैंपल फ्लैट। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों आप देखिए 2 BHK सैंपल फ्लैट जो काफ़ी अच्छा स्पेशियस फ्लैट है। और ये जो सैंपल फ्लैट है जैसे कि इसमें पूरा फर्नीचर किया हुआ है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको अनफर्निश्ड जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा, कितना मतलब बिल्डर तो पूरा फर्निश करके इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि आपका पूरा फर्नीचर के बाद कितना स्पेस बनता है। तो होपफुली आज का जो ब्लॉग है वो भी आपको पसंद आएगा। तो जो भी मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, बेल बटन प्रेस करिएगा कि जो भी ब्लॉग अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग, सबसे पहले तो सैंपल फ्लैट देखिए और पूरा ब्लॉग देखिएगा, क्या प्राइसिंग है, क्या कारपेट है, आसपास का लोकेशन क्या है, कितना बड़ा टाउनशिप है, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पूरा ब्लॉग देखिए, होपफुली आपको ब्लॉग पसंद भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले सैंपल फ्लैट देखिए। 2 BHK फ्लैट, ऑलमोस्ट 700 अबव कारपेट, किचन यहाँ पे रहेगा आपका। आप देख सकते हैं एल शेप में जो है किचन पूरा बना हुआ है। यहाँ पे आपका टैप वगैरह, यहाँ पे जो है स्पेस बनाया गया, वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे रख सकते हैं किचन में, ऊपर में कैबिनेट वगैरह बना सकते हैं, इतना स्पेस है किचन में भी। और यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, स्पेशली फ्रिज के लिए जो है यहाँ पे इन्होंने जगह दी। आपके पास बड़ा फ्रिज है तो बड़ा फ्रिज भी यहाँ पे आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये रहा किचन, जैसे कि फ्लाइट के स्टार्ट में किचन के ठीक पहले भी यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, मतलब कुछ छोटा आप इधर वार्डरोब टाइप बना सकते हैं इस जगह में। अब चलते हैं लिविंग एरिया की तरफ। ये रहा लिविंग एरिया, स्पेशियस लिविंग एरिया है पूरा। किचन एक्चुअली वहाँ पे है इसलिए किचन के ठीक सामने में यहाँ पे डाइनिंग स्पेस दिया गया। ये हो गया आपका लिविंग एरिया, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस, यहाँ पे आपका सोफ़ा वाला एरिया और यहाँ पे आपका टीवी यूनिट्स सामने में। और डाइनिंग स्पेस के ठीक सामने में यहाँ पे एक वॉश बेसिन दिया गया है कि आप यहाँ पे अपना हैंड वॉश कर सकते हैं आफ्टर डिनर और लंच। यहाँ पे कॉमन वॉशरूम देख सकते हैं, फ्लोरिन टाइल फिटिंग सब ब्रांडेड फिटिंग्स है, कुछ भी मतलब क्वालिटी में कंजूसी नहीं है। वहाँ पे एक छोटा विंडो वेंटिलेशन के लिए। और ये रहा कॉमन बेडरूम, यहाँ पे आपका टीवी यूनिट्स, ये जगह पे आपका टीवी लगा सकते हो आप ये वॉल पे। यहाँ पे एक्चुअली वार्डरोब आप बना सकते हो इसलिए ये वार्डरोब का स्पेशल एक वो साइड में एक एरिया है जो है आप अपने हिसाब से इंटीरियर करके उसे वार्डरोब बना सकते हो। यहाँ पे बेड हो गया आपका और ये रहा आपका विंडो, हाफ विंडो जो रहेगा आपका वो स्लाइडेबल रहेगा और हाफ जो है नीचे का वो आपका फिक्स रहेगा। ये हो गया कॉमन बेडरूम। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि लिविंग रूम में एक तरफ में वो साइड में एक बेडरूम रहेगा और एक मास्टर बेडरूम आपका ये तरफ में रहेगा लिविंग रूम के राइट साइड में, एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा मास्टर बेडरूम का, यहाँ पे बेड वेड एक्चुअली बनाया हुआ है इसलिए कि आप बेड बनाने के बाद आपके पास कितना स्पेस रहता है फ्लैट में वो इसलिए डेवलपर ने दिखाने के लिए। तो ये रहा बेड, सामने के वॉल पर टीवी यूनिट्स आप बना सकते हो। यहाँ पे भी आप विंडो का कॉन्सेप्ट देख सकते हो, नीचे का जो रहेगा हाफ विंडो फिक्स रहेगा, ऊपर का आपका स्लाइडेबल रहेगा, ऊपर से आप स्लाइड कर सकते हो। और यहाँ पे आपका वार्डरोब का स्पेस और मास्टर बेडरूम में जैसे कि अटैच टॉयलेट, यहाँ पे एक वॉश बेसिन, कपोर्ट, अंदर में जो टैप वगैरह सब देख रहे हैं, जैक वॉफ फिटिंग्स जो आप लो टाइल देख रहे हैं, सारे कुछ एज इट इज होंगे सारे फ्लैट्स में। ये रहा मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम के ठीक सामने में ये रहा लिविंग रूम। वो साइड में आपका किचन, सॉरी कॉमन बेडरूम,
यहाँ पे आपका वॉश बेसिन, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम और लिविंग रूम के जस्ट जैसे हम एंटर करते हैं उसके ठीक बगल में यहाँ पे किचन है। ये रहा 2 BHK स्पेशियस फ्लैट वाधवा वाई सिटी का सुप्रीम, जो सबसे बड़ा 2 BHK फ्लैट है वो, जिसका मैंने आपको सैंपल फ्लैट का वीडियो दिखाया। जैसे कि दोस्तों अभी आपने सैंपल फ्लैट देखा 2 BHK फ्लैट का, होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका जो प्राइसिंग है वो शुरू होता है, इसका सबसे पहले आपको कारपेट का बता देता हूँ। इसमें 4-5 कारपेट है, 450 कारपेट से लेके 650 कारपेट तक के सबसे बड़ा कारपेट का फ्लैट है। तो आपने जो सैंपल फ्लैट देखा ये है ऑलमोस्ट 650 कारपेट का। तो इसमें जो दोस्तों प्राइसिंग जो शुरू होता है इसका वो होता है 58 लाख प्लस टैक्सेस से इसका प्राइसिंग शुरू होता है। अगर बड़े से बड़े कारपेट में जाते हैं तो वो तकरीबन 85-87 के आसपास जाता है ऑल इंक्लूसिव। तो ये था दोस्तों इसका प्राइसिंग का डिटेल, कारपेट का डिटेल मैंने आपको बता दिया। जो छोटा कारपेट का जो प्राइसिंग है वो 58 लाख से शुरू होता है और जो बड़ा कारपेट जो है बड़े कारपेट में जाते हैं वो 87 लाख तक जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका प्राइसिंग का। अब मैं आपको बता दूं कि ये कितने स्टोरेज का टावर है। ये सारे जो टावर है इसके 2 BHK के वो तकरीबन जो है 22 फ्लोर के टावर्स है। पूरा माउंटेन फेसिंग, हिल फेसिंग व्यू में आपको मिल सकता है फ्लैट, सामने का सिटी फेसिंग भी मिल सकता है आपको। पूरा आसपास में पूरा ग्रीनरी, पीसफुल लोकेशन में एकदम अच्छा टाउनशिप बन रहा है ये। तो ये जो सबसे पहले इसका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का आपको बता दूं, पूरा MY1 कंस्ट्रक्शन से बन रहा है। वाधवा वाइस सिटी ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे पड़ता है लोकेशन वाइज, तो ये जो है आपको पनवेल में पड़ता है। यहाँ से आपको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, पनवेल रेलवे स्टेशन 30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, और फिर बाद में आपको सीलिंग जाना है तो वो भी आपको 25 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो एक अच्छा लोकेशन मतलब जो है आपको आसपास में, आसपास के जैसे। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के आसपास में जो साइड में जो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर, वो है हीरानदानी भी है, गोदरेज वालों का प्रॉपर्टी भी है जो आसपास के लोकेशन पे आ रहा है। तो एक अच्छा पीसफुल लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है जो कि बन रहा है। इसमें से मैं आपको बता दूं एटलीस्ट जो है 5 से 6 टावर का जो है पोजीशन भी आ चुका है, लोगों ने अभी उसमें ऑक्यूपेंसी लेना भी कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है। बट अगर आप देख रहे हैं कि आज से 2 या 3 साल बाद आपको पोजीशन चाहिए तो ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जो है इस प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपने सैंपल फ्लैट देखा, होपफुली आपको पसंद आया होगा 2 BHK का सैंपल फ्लैट, एक बार साइट विजिट भी करिए। और रेडी पोजीशन में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बहुत कम ऑप्शन है बट और अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन वाले पोजीशन में चाहिए 2-3 साल बाद वाले पोजीशन में तो आपको वो भी मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो मेरा नंबर तो आपने अभी स्क्रीन में देखा ही होगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट आपका हो जाएगा, हम आपको साइट विजिट करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पनवेल में अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं पनवेल में, पनवेल के आसपास के लोकेशन में, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, पीसफुल लोकेशन है, एकदम पूरा ग्रीनरी आसपास चाहिए, माउंटेन फेसिंग चाहिए, तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो एक बार साइट विजिट करिए, होपफुली आपको पसंद आए। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अनदर डे अनदर ब्लॉग में, आज के लिए बाय।